रहीम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि लारावेल में मॉडल व्यू कंट्रोलर किस तरह बनाते हैं और राउटिंग क्या होती है, कैसे इसको यूज करते हैं। तो हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मॉडल व्यू कंट्रोलर। बेसिकली मॉडल व्यू कंट्रोलर जो है ये एक डिज़ाइन पैटर्न है। इस डिज़ाइन पैटर्न को यूज़ करते हुए जो लारावेल फ्रेमवर्क है वो बनाए। तो इस डिज़ाइन पैटर्न में तीन मॉड्यूल्स हैं। फर्स्ट है कंट्रोलर, मॉडल और व्यू। अब ये करते क्या है, कंट्रोलर जो है नाम से जाहिर है कि ये हमारी रिक्वेस्ट को कंट्रोल करता है। कंट्रोलर हैंडल्स द रिक्वेस्ट फ्रॉम द यूजर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम द मॉडल। जब हम कोई यूआरएल हिट करते हैं तो वो रिक्वेस्ट जो है वो कंट्रोलर के पास जाती है। अब कंट्रोलर सेंटर में होता है, कंट्रोलर चेक करता है कि मैंने कौन सा व्यू कॉल करना है और उस व्यू के अंदर डेटा क्या दिखाना है। इसको आगे चल के अभी हम एक कंट्रोलर बनाएंगे, उसके अंदर हम अभी मॉडल भी क्रिएट करेंगे और व्यू क्रिएट करेंगे। जो व्यू के ऊपर हमें सारा रिकॉर्ड नज़र आएगा, जो एंड रिजल्ट होता है यूज़र को वो नज़र आता है, यूज़र को जस्ट व्यू नज़र आते हैं। इसके बाद मॉडल है हमारे पास। मॉडल क्या करता है कि मॉडल जो है वो डेटाबेस से इंटरेक्ट करता है और इंफॉर्मेशन लेके आता है और वापस कंट्रोलर को पास करता है, और कंट्रोलर उस इंफॉर्मेशन को आगे व्यू के अंदर रिप्रेजेंट करता है। तो तीन बेसिक मॉड्यूल हैं, कंट्रोलर, मॉडल एंड व्यू। सेंटर में कंट्रोलर है। सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो कंट्रोलर को आएगी। कंट्रोलर जो है वो उस रिक्वेस्ट को वैलिडेट करेगा कि उसने कौन सा व्यू कॉल करना है और उसके अंदर कौन सा डाटा दिखाना है। तो उस रेलेवेंट मॉडल से डाटा लेके वो रेलेवेंट व्यू के अंदर पॉपुलेट करा के यूज़र को रिस्पॉन्स दे देगा। तो ये मॉडल व्यू कंट्रोलर का एक डिज़ाइन पैटर्न है, प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है। अभी हम जितने भी आर्किटेक्चर बनाते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी प्रोजेक्ट बन रहे हैं वेब में, लारावेल के अलावा भी अगर हम कोड इग्निटर के, PHP, ही फ्रेमवर्क, ASP.NET, MVC जो है, जितने भी फ्रेमवर्क है सब के सब मॉडल व्यू कंट्रोलर को ही इम्प्लीमेंट करके आगे चल रहे हैं। आर्किटेक्चर यही है। इसके अलावा राउटिंग होती है। तो राउटिंग जब हम एक यूआरएल कॉल करते हैं तो उसके पीछे एक राउट डिफाइन हुआ होता है। राउटिंग क्या होती है, अभी हम इसका लाइफ साइकिल देखते हैं कि किस तरह से कॉल होती है। जब आप कोई भी वेब पेज इंटरनेट पर हिट करते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप गूगल खोलते हैं या फेसबुक खोलते हैं, तो होता क्या है कि जैसे मेरी एक वेबसाइट है, मैंने बनाई extremecommerce.com। अब जब मैं extremecommerce.com ब्राउज़र में हिट करूँगा तो मेरी वेबसाइट जो है वो लारावेल में बनी हुई है, अज्यूम कर लेते हैं। तो होगा ये कि यूज़र ने जब extremecommerce.com यूआरएल में हिट किया तो वो रिक्वेस्ट आई मेरी एप्लीकेशन के अंदर, मेरे कोड में आ गई जो मैंने लारावेल में बनाई है। अब जब वो मेरे कोड में आई तो सबसे पहले वो रिक्वेस्ट जाएगी राउट इंजन के पास। लारावेल के अंदर कॉन्सेप्ट है राउटिंग का। अब राउट क्या करेगा, राउट चेक करेगा कि ये रिक्वेस्ट जो आई है ये मैंने कैसे सर्व करनी है और यूज़र को क्या रिस्पॉन्स देना है, यूज़र को कौन सा पेज दिखाना है। तो हम लोग अपनी वेब एप्लीकेशन के अंदर राउट्स डिफाइन कर लेते हैं कि अगर मेरा जो पेज है extremecommerce.com हिट हो रहा है या extremecommerce/laravel हिट हो रहा है तो मैंने कौन सा पेज दिखाना है, और अगर extremecommerce.com हिट हो रहा है तो मैंने कौन सा पेज दिखाना है। तो ये दो डिफरेंट रिक्वेस्ट हो गई, तो दो डिफरेंट राउट्स बनेंगे और उनकी बेस पे आगे कंट्रोलर होंगे। एक होम पेज का कंट्रोलर हो सकता है और एक हो सकता है हमने बनाया हो दूसरा कंट्रोलर जो कि extremecommerce/laravel को सर्व करेगा। तो राउट चेक करेगा कि मैंने कौन सा कंट्रोलर को रिक्वेस्ट भेजनी है, ये राउटिंग में चेक हो जाएगा। राउट में हमने डिफाइन किया होगा कि जो रिक्वेस्ट आ रही है हमें, क्योंकि जब हम ब्राउजर पे ऊपर रिक्वेस्ट, एक से ज़्यादा पेज होते हैं एक वेबसाइट में, तो कई पेज होते हैं, तो हर जब रिक्वेस्ट आती है, यूज़र की रिक्वेस्ट भी अनलिमिटेड हो सकती है, उनका रिक्वेस्ट जो है उनके अगेंस्ट जो राउट्स है वो हमने डिफाइन किए होंगे। तो राउट जो है ये वो चेक करेगा कि मैंने कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है। फिर उस कंट्रोलर के अंदर इसी तरह से उस स्पेसिफिक राउट के लिए इस एक्शन भी होगा। तो एक्शन चेक करेगा, कंट्रोलर चेक करेगा कि मैंने कौन सा
जो है एक्शन कॉल करना है, कौन सा व्यू कॉल करना है, और उसके लिए अगर उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मॉडल से डाटा उठाएगा, डेटाबेस में से मॉडल आगे डेटाबेस से डाटा लेगा और डाटा को मॉडल में पॉपुलेट करके वापस कंट्रोलर को पास करेगा, और कंट्रोलर फिर एक वेब पेज बनाएगा जो कि यूज़र को नज़र आना है। तो ये सारा का सारा इनकैप्सुलेट होता है, ये यूज़र को नहीं पता चलता कि बैक एंड पे क्या हो रहा है। यूज़र को जस्ट जो नज़र आता है वो एट द एंड रिस्पॉन्स नज़र आता है कि उसने जो रिक्वेस्ट की और उसको एक वेब पेज खुला नज़र आ गया। तो राउट देखता है, राउटर देखता है कि मैंने अपने वेब एप्लीकेशन में कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है इस यूआरएल के अगेंस्ट। तो उसके बाद कंट्रोलर आगे मॉडल से इंटरेक्ट करते हुए डेटाबेस से डाटा उठा के वापस कंट्रोलर के पास आता है। कंट्रोलर जो है वो फिर व्यू को डाटा पास करता है, व्यू के अंदर एचटीएमएल के अंदर वो डाटा रेंडर होता है सारा, और एट द एंड ब्राउजर को जाती है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एचटीएमएल, और वो यूजर को नज़र आती है। तो आगे जाके हम लोग अभी मॉडल डिफाइन करेंगे, कंट्रोलर डिफाइन करेंगे, राउट डिफाइन करेंगे, एक पूरा एक लाइफ साइकिल चलाएंगे। तो ये लारावेल का लाइफ साइकिल है कि किस तरह से एक रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट सबसे पहले राउट के पास आती है, राउट इंजन उस रिक्वेस्ट को फिल्टर करता है कि क्या ये रिक्वेस्ट वैलिड है, इनवैलिड है। अगर वैलिड है तो इसने कौन से कंट्रोलर के पास जाना है। फिर कंट्रोलर चेक करता है कि मुझे इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट यूज़र को कौन सा डाटा पॉपुलेट करवाना है, और मॉडल जो है वो डीबी से डाटा लेके वापस कंट्रोलर के पास आता है। वो उसको मैनिपुलेट करने के बाद व्यू में पॉप व्यू को भेजता है। व्यू के अंदर फिर हमने जो भी उसका फ्रंट एंड बनाया हुआ लॉजिक लिखी हुई है यहाँ पे, वो उसको पॉपुलेट करवा देता है यूज़र को। तो ये इसका लाइफ साइकिल है, रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल ऑफ लारावेल। अभी हम आगे चलते हैं, हम एक मॉडल डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम एक कंट्रोलर डिफाइन करेंगे, और फिर उसको हम व्यू क्रिएट करके वेब उसको ब्राउजर में चेक करेंगे कि वो नज़र कैसे आता है। फॉर एग्जांपल आपके पास एक वेबसाइट बनाने के लिए आ जाती है कोई भी, तो जब भी आप कोई भी वेबसाइट बनाएंगे तो वो किसी ना किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होगी। फॉर एग्जांपल मुझे एक वेबसाइट आ जाती है कि मैंने गाड़ियों की वेबसाइट बनानी है। तो अब मैंने जब गाड़ियों की वेबसाइट बनानी तो उसमें जो सबसे मेन जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो कार है। तो मैं कार को आगे लेके चलूंगा कि हम कार का एक मॉडल बनाएंगे और फिर उसका कंट्रोलर बनाएंगे, फिर उस कार का व्यू बनाएंगे कि यूज़र को नज़र कैसे आना है। तो ये सारा ही लाइफ साइकिल क्लियर हो जाएगा। अब इसके अंदर जो हमने जैसे मैंने पहले बताया, रिक्वेस्ट इज मेड से व्हेन अ यूज़र इंटर्स अ यूआरएल एसोसिएट विद योर एप्लीकेशन। जब एक यूज़र यूआरएल को हिट करेगा तो राउट एसोसिएट विद दैट यूआरएल मैप्स यूआरएल टू द कंट्रोलर एक्शन। तो वो जो राउट है उसके अंदर हमने डिफाइन किया होता है कि कौन सा कंट्रोलर कॉल होना है और उसके अंदर कौन सा एक्शन कॉल होना है। राउट सबसे पहले रिक्वेस्ट जो है यूआरएल की रिक्वेस्ट राउट के पास आती है, राउट बताता है कौन सा कंट्रोलर कॉल होना है, कंट्रोलर फिर देखता है कि मैंने मॉडल से डाटा लेना है या नहीं लेना, पॉपुलेट करना है उसको कि नहीं करना। अगर करना है तो उसको पॉपुलेट करने के बाद वापस व्यू को पास कर देता है, और व्यू एट द एंड उसको एचटीएमएल में रेंडर करके फाइनल पेज यूजर को दिखा देता है। तो ये रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल है लारावेल का। अब हम मॉडल क्रिएट करते हैं। लेट्स से वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कार, तो हाउ वी विल गोना क्रिएट दैट मॉडल। हमने पहले भी क्रिएट किया था, तो इसके लिए मैं जाता हूँ अपने आईडी में। मेरे पास जो आईडी है वो विजुअल स्टूडियो कोड है। आप सब लाइम टेक्स्ट भी यूज़ कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर भी कोडिंग कर सकते हैं, इसमें आपको इजी लगता है। लास्ट लेक्चर में हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, माय फर्स्ट लारावेल ऐप, मैं इसी को आगे लेके चलता हूँ। तो इसमें से आपने इस फोल्डर सेलेक्ट कर लेना है, इसको हम बंद कर देते हैं। अच्छा, आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके सी के अंदर वैम्प के अंदर डब्ल्यू के फोल्डर में रखने हैं ताकि यहाँ से रन हो सके। आपने मेक श्योर कर लेना है कि आपका वैम्प सर्वर चल रहा हो, ये मैंने ऑलरेडी चलाया हुआ है, ग्रीन हो। इसके अलावा मॉडल क्रिएट करते के लिए हम सी एल आई यूज़ करेंगे। तो सी एल आई यूज़ करने कमांड प्रॉम्प्ट खोलेंगे और इसकी कमांड टाइप करेंगे। सबसे पहले तो हमने नेविगेट करना है अपनी डायरेक्टरी में जहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ। जैसे हमारा प्रोजेक्ट सी के अंदर वैम्प के अंदर
डब्ल्यू के फोल्डर में हमारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं और मेरे प्रोजेक्ट का नाम है माय फर्स्ट लर्नेबल ऐप आई थिंक। तो मेरा इसका नाम चेक करना पड़ेगा मुझे, इसका नाम है माय फर्स्ट ऐप लर्नेबल। इसको मैं करूँगा सीडी माय फर्स्ट ऐप लर्नेबल। ठीक है, अब मैं उस डायरेक्टरी में आ गया जिसमें मेरा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। मैंने अपनी जितनी भी कमांडें चलानी है यहाँ पे चलाऊंगा। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक मॉडल क्रिएट करूँ। हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली हम लोग एक मॉडल क्रिएट करने जा रहे हैं कार का। तो कार का मॉडल कैसे क्रिएट करेंगे, हम लोग सी एल आई यूज़ करेंगे, कमांड लाइन इंटरफेस। तो लारावेल के अंदर जो है हमें कमांड आ गई, हमें ज़्यादा कोड नहीं लिखना पड़ता। पहले तो हमें सारा मैनुअल लिखना पड़ता था, तो बहुत सा कोड बना बनाया मिल जाता है, इजी हो गया है काम। हमें कम कोडिंग पढ़नी है, जैसे कमांड डालें और वो तो आपका पूरा का पूरा क्लास जनरेट कर देता है। तो वी हैव एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ कार, तो वी विल क्रिएट मॉडल फॉर अ कार। तो कैसे मॉडल क्रिएट करेंगे, हम लोग लारावेल के अंदर सी एल आई यूज़ करते हैं, तो सी एल आई को यूज़ करते हुए हम लोग इसका मॉडल क्रिएट करते हैं। उससे पहले हम लोग अपने विजुअल स्टूडियो में जाते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड में देखते हैं कि हम लोगों ने एक डेटाबेस बना लेनी है। आपने लोकल होस्ट खोलना है, माई पी एच पी एडमिन खोलना है। माई पी एच पी एडमिन में जाने के बाद आपने एक नई डेटाबेस क्रिएट कर लेनी है। तो ये मैंने अभी क्रिएट की है। यहाँ पे आपने जाना है, न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ डेटाबेस का नाम देना है, लारावेल ऐप जो भी आप नाम देना चाह रहे हैं उसको नाम देंगे। ठीक है, मैंने लारावेल ऐप के नाम से भी एक नई बनाई थी, इसको मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपने इसको कॉपी करना है, वापस अपने विजुअल स्टूडियो कोड में जाना है। विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर एक फाइल होती है, एनवायरनमेंट फाइल डॉट ई एन वी, रूट पे पड़ी होती है। उसको डबल क्लिक करेंगे, इसके अंदर डीबी डेटाबेस नेम है, डीबी डेटाबेस इसका मतलब डेटाबेस का नाम। यहाँ हम डेटाबेस का नाम देंगे, जो भी हमारी है, हमारा यूज़र रूट ही है, डिफॉल्ट यूज़र है, पासवर्ड हमारा कुछ भी नहीं है, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये डेटाबेस हमारी इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट होगी। जो भी हम अपने डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड सेव करेंगे या रिट्रीव करेंगे वो इस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा लारावेल ऐप के साथ। ये हमारी माय पीएचपी एडमिन के अंदर जाके बनती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल क्रिएट करने के लिए हम सी एल आई यूज़ करते हैं, आर्टिशन। तो हम अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लेते हैं, इसको मैं रन एडमिनिस्ट्रेटर करता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद हम कमांड लिखेंगे अपनी। सबसे पहले तो हम नेविगेट करेंगे जहाँ हमारा प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है। हमारा प्रोजेक्ट कहाँ पड़ा होता है, हमारा प्रोजेक्ट पड़ा है सी वैम्प में पड़ा हुआ है, वैम्प 64 सी डब्ल्यू डब्ल्यू फोल्डर में। उसके अंदर मेरे प्रोजेक्ट का नाम क्या था, मुझे प्रोजेक्ट का नाम भूल गया, नाम भूल गया तो चेक कर लेते हैं उसका। उसका नाम है माई फर्स्ट ऐप लारावेल, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में बनाया था। मैं अपनी डायरेक्टरी में आ गया। नाउ लेट्स रन द कमांड। कमांड मॉडल क्रिएट करने की है पीएचपी आर्टिफिशियल मेक मॉडल, आगे मॉडल का नाम बताएंगे, कार का मॉडल क्रिएट कर दो और डबल माइनस साइन माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब ये है कि मैं कह रहा हूँ इसको कमांड के थ्रू के कार के नाम का एक मॉडल बना दो और उसकी माइग्रेशन भी क्रिएट कर दो। जब हम कोर पीएचपी में काम करते थे तो हम लोग ये करते थे कि डायरेक्ट अलग से जाके डेटाबेस बनाते थे, उसका माई पीएचपी एडमिन में जाते थे, वहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद क्रिएट टेबल करते थे, नाम देते थे, कॉलम देते थे। लेकिन जो लारावेल फ्रेमवर्क है उसके अंदर हम कोड फर्स्ट अप्रोच यूज़ करते हैं, हमारे कोड के साथ ही हमारा जो डेटाबेस है वो भी क्रिएट कर जाती है। तो माइग्रेशन का मतलब ये है कि इसकी माइग्रेशन क्रिएट कर दो। माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है लारावेल में इसको डेटाबेस में टेबल क्रिएट करने के लिए कार के नाम का इसकी माइग्रेशन क्रिएट कर दो, वो स्क्रिप्ट जनरेट हो जाएगा। जब हम इस माइग्रेशन को एग्जीक्यूट करेंगे तो बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट माइग्रेशन क्रिएट करेगी उस स्क्रिप्ट से डेटाबेस के अंदर एक कार के नाम का टेबल भी बन जाएगा। तो जैसे हमारे मॉडल बनेंगे उसी तरह के हमारे डेटाबेस के अंदर टेबल भी बनते जाएंगे, मैपिंग होती जाएगी। तो ये माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट है लारावेल में,
डेटाबेस जो है वो कोड से ही मैनेज होती है, माइग्रेशंस को यूज करते हुए, हमें अलग से जाके नहीं बनानी पड़ती। इसको एंटर करते हैं, इसको एंटर करेंगे तो ये एक मॉडल क्रिएट कर देगा। ये एग्जीक्यूट हो रहा है, एंटर नहीं हुआ, मॉडल उसने क्रिएट कर दिया और साथ ही उसने एक माइग्रेशन भी क्रिएट कर दिया। टाइम स्टैम्प है, करंट डेट टाइम आ रहा है और आगे डेटाबेस के अंदर जो टेबल का नाम है क्रिएट कार्स टेबल, उसने एक माइग्रेशन भी क्रिएट कर दी कि कार के नाम का एक टेबल क्रिएट करना है। अभी हम माइग्रेशन को एग्जीक्यूट नहीं करते, पहले हम देखते हैं कि बना कहाँ है। तो वापस अपने कोड में जाते हैं और जो ऐप है, जो हमारे मॉडल्स हैं बेसिकली, रिसोर्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये बनते हैं ऐप के अंदर, रूट में ऐप के अंदर बनते हैं। इस कार के नाम का एक मॉडल क्रिएट हो गया, ठीक है, ये कार का उसने एक मॉडल क्रिएट कर दिया, इसके अंदर नेम स्पेस वगैरह भी ऐड कर दी। और दूसरा उसने क्रिएट किया माइग्रेशंस, तो माइग्रेशन जो है वो डेटाबेस के फोल्डर के अंदर, माइग्रेशंस के फोल्डर के अंदर ये इसने एक माइग्रेशन क्रिएट किया, ठीक है। ये इसने कह दिया है कि स्कीमा क्रिएट करो, स्कीमा डेटाबेस की जो टेबल है उसको भी स्कीमा कहते हैं, स्कीमा क्रिएट कर दो कार्स के नाम का और उसके अंदर दो कॉलम रख दें, एक आइडेंटिटी रख दें जो कि ऑटो इंक्रीमेंट होगी आईडी, और एक टाइम स्टैम्प रख दें क्रिएटेड डेट और अपडेटेड डेट। अब हमारे पास ये भी होता है कि हमें मैन्युअली भी कॉलम ऐड करने होते हैं, तो उसके लिए भी लारावेल के अंदर कैसे ऐड करते हैं वो भी देखते हैं। तो हमने किया क्या, बेसिकली हमने एक मॉडल क्रिएट किया कमांड लाइन इंटरफेस को यूज़ करते हुए, उस मॉडल के साथ हमने माइग्रेशन भी बनाए। तमाम के तमाम जो मॉडल्स हैं वो हमारे इस रूट पे सेव होते हैं ऐप के अंदर जाके, जितने भी ये मॉडल क्रिएट करेंगे वो ऐप के फोल्डर के अंदर सेव हो। जो हमारा करंट मॉडल बना है वो ऐप स्लैश कार डॉट पी एच पी बना है, ठीक है। और उसके बाद हमने माइग्रेशन का जो डायरेक्टिव पास किया था, उससे क्या हुआ था कि हमारी माइग्रेशन क्रिएट हुई थी डेटाबेस में, इसी नाम इसी क्लास का कॉरेस्पॉन्डिंग एक डेटाबेस में टेबल भी बनेगा, तो वो माइग्रेशन के थ्रू क्रिएट होगा, उसका स्क्रिप्ट भी हमने जनरेट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं ये आगे क्या है। अच्छा जी, ये हमारा जो मॉडल क्रिएट किया है ये उसका स्क्रिप्ट है, भी हमने देखा भी है इस तरह का हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। लारावेल स्कीमा बिल्डर, लारावेल स्कीमा बिल्डर क्या है कि फर्ज करें मेरे पास कार के टेबल में और भी फील्ड्स हैं जो मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं कैसे ऐड करूँगा। जैसे कार का मेक होता है, मॉडल होता है, उसकी डेट है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, एक्सेट्रा, तो हम तीन चार फील्ड हमें ऐड करनी पड़ी हैं, तो वो ऐड कैसे करेंगे। तो लारावेल के अंदर है स्कीमा बिल्डर। अब स्कीमा बिल्डर को कैसे यूज़ करना है कि हम लोगों ने जो इसने माइग्रेशन क्रिएट की है उसके अंदर जाते हैं। इस माइग्रेशन के अंदर इसने जस्ट दो कॉलम बनाए, तीन कॉलम बनेंगे, एक तो आईडी का है, हमने इसके अंदर और भी कॉलम ऐड करने हैं, तो हम यहाँ अपने कॉलम ऐड कर सकते हैं कि मैं उसको कहता हूँ कि मुझे आप एक और कॉलम दे दो जो कि स्ट्रिंग टाइप का हो, है, और उसका जो नाम है वो रख देते हैं मेक, ओके, और एक और है कॉलम क्रिएट कर लेते हैं, उसकी टाइप भी स्ट्रिंग रख लेते हैं, और उसका जो नाम मॉडल रख देते हैं कि मेक कब की है, मॉडल कौन सा है, और इसी तरह से मैं एक और कॉलम ऐड करना चाहता हूँ जो कि उसकी डेट होगी, सॉरी, ठीक है, तो ये डेट, इसको मैं डेट कर देता हूँ प्रोड्यूस्ड ऑन, मैं वही नाम रखता हूँ जो स्लाइड्स में है, ठीक है, इसको हम लोग टर्मिनेट कर लें। तो ये इस तरह से हम स्कीमा बिल्डर को यूज करते हुए कस्टम कॉलम्स भी ऐड कर सकते हैं। अब ये क्या करेगा, जब ये डेटाबेस के अंदर स्क्रिप्ट चलेगा तो ये डेटाबेस के अंदर एक टेबल क्रिएट करेगा, स्कीमा क्रिएट करेगा, टेबल क्रिएट करेगा कार्स के नाम का, जिसके अंदर एक कॉलम होगा आईडी का, उसके जो ऑटो इंक्रीमेंटेड होगी, फिर एक स्ट्रिंग का कॉलम होगा मेक का, फिर एक मॉडल का कॉलम बना देगा, और उसके बाद प्रोड्यूस्ड ऑन का और अपडेटेड ऑन और क्रिएटेड ऑन के भी कॉलम्स बना देगा। टाइम स्टैम्प का मतलब ये होता है। तो ये माइग्रेशन बन गई इसकी, और हमने ये भी देख लिया कि अगर हमें कस्टम जो है ऐड करने हैं कॉलम, तो हम स्कीमा बिल्डर को यूज़ करते हुए अपने कॉलम्स भी इसी तरह ऐड कर सकते हैं, इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसके अंदर डेटाबेस बन जाएगा। अपनी माइग्रेशन रन करेंगे, माइग्रेशन को हमने लास्ट लेक्चर में भी रन किया था, उसका कमांड को यूज़ करते हुए हम वो अपनी सीएलआई में जाएंगे, सॉरी सॉरी
सीएलआई में जाएंगे और जो लिखते हैं लिखेंगे पीएचपी माइग्रेट कर दो, मतलब जो माइग्रेशन बनी है उनको डेटाबेस के अंदर माइग्रेट कर दो, चला दो। इसने कहा जी एरर आ गया। एरर कहाँ पे आ रहा है? कह रहा है सिंटेक्स एरर है, क्रिएट कार्ड्स के अंदर एरर आ रहा है, एक्सपेक्टिंग दिस। चेक कर लेते हैं इसको जाके, कहीं मैंने कुछ मिस कर दिया है। तो मैंने लिखा था कार मेक स्ट्रिंग, मिसिंग समथिंग। दोबारा चेक करते हैं, हम एरर पढ़ लेते हैं तो उसके आइडिया हो जाता है हमें। जो 20 नंबर लाइन पे आ रहा है एक्सपेक्टेड दिस, तो विजुअल स्टूडियो में जाता हूँ मैं, कंट्रोल जी करूँगा। कंट्रोल जी करने के बाद 20 नंबर लाइन है, 20 नंबर लाइन में मैंने कुछ गलती की है। यहाँ पे मैंने इसकी डेटा टाइप की थी, इस वजह से एरर आ रहा था। ठीक है, अब दोबारा चलाते हैं। क्या तो उसने वो माइग्रेशन क्रिएट कर दी, उसने क्या किया है, जितनी भी माइग्रेशन पड़ी हुई थी वो सारी की सारी चला दी और कार का टेबल भी क्रिएट कर दिया। अब डेटाबेस में जाके देखते हैं हम लोग, क्या रिफ्लेक्शन आई है। तो ये हमारे कार का टेबल उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, उसने आईडी का एक कॉलम बना दिया, उसने मेक का, मॉडल का, प्रोड्यूस्ड ऑन का, क्रिएटेड एट और अपडेटेड एट का भी उसने कॉलम क्रिएट कर दिया। तो इस तरह से हम अपना मॉडल क्रिएट करेंगे, हमारे जितने भी मॉडल हैं हमारी एप्लीकेशन में, जितने भी मॉडल होंगे, जैसी भी हमारी एप्लीकेशन, अगर स्टूडेंट की एप्लीकेशन है तो एक स्टूडेंट का मॉडल क्रिएट करेंगे, डिपार्टमेंट्स का मॉडल क्रिएट करेंगे, उसके बाद हम लोग डिफरेंट मॉडल्स क्रिएट करेंगे। वो सारे इसी वे में पार्टीशन की कमांड यूज़ करते हुए मेक मॉडल और उसके अंदर स्कीमा बिल्डर को यूज़ करते हुए अपने में कस्टम कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो हमारा मॉडल क्रिएट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि हम लोगों ने कंट्रोलर कैसे क्रिएट करना है। तो कंट्रोलर जो कार है ये बेसिकली हमारा एक रिसोर्स है, और रिसोर्स के अगेंस्ट जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी वो कंट्रोलर हैंडल करेगा। तो लेट्स मेक अ कंट्रोलर सिमिलरली, जैसे वी हैव क्रिएटेड अ मॉडल, इन द सेम वे वी कैन क्रिएट अ कंट्रोलर एज वेल यूजिंग द सीएलआई कमांड इंटरफेस। अभी हम कंट्रोलर बनाएंगे तो जो भी हमारा मॉडल है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो है कंट्रोलर भी बनेगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग व्यूज भी बनेंगे। तो पहले हम कंट्रोलर बना लेते हैं। कार कंट्रोलर कैसे क्रिएट होगा? हम लोग जाएंगे कमांड इंटरफेस में, कमांड लाइन में जाएंगे और सेम वे हम लिखेंगे पीएचपी। इट्स वेरी इजी, मेक कंट्रोलर, कंट्रोलर बना दो। सेम वे में कमांड इंटरफेस के थ्रू क्रिएट करते, कमांड यूज करते हुए हम काफी कोड से बच जाते हैं। मेक कंट्रोलर कार के नाम का कंट्रोलर बना दो। अब यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि जब भी आपने कंट्रोलर बनाना है तो उसके नाम के साथ कंट्रोलर जरूर लिखना है। ठीक है, और इस कमांड के साथ हम लिखते हैं रिसोर्सेस, रिसोर्स लिख देते हैं। अब ये रिसोर्स इसलिए लिखा है कि जितने भी एक डिफॉल्ट एक्शंस होते हैं वो इसके अंदर क्रिएट कर देता है, नहीं तो मैनुअली लिखने पड़ते हैं। तो देखते हैं किसने क्या बनाया है। जितने भी हमारे कंट्रोलर बनते हैं वो बनते हैं जाके ऐप में, एचटीटीपी में जाके कंट्रोलर का फोल्डर है उसके अंदर कंट्रोलर बनते हैं। तो इसने कार कंट्रोलर के नाम से कंट्रोलर बना दिया और उसके अंदर जो डिफॉल्ट हमारे एक्शंस थे वो भी लिख दिए। बेसिकली होता क्या है कि कंट्रोलर पेरेंट है, ठीक है, जितने भी हमारे कंट्रोलर हम क्रिएट करेंगे वो इसको इनहेरिट करते हैं, इसको एक्सटेंड करते हैं। तो ये पेरेंट है, ये उसके सारे चाइल्ड होते हैं। तो कंट्रोलर जो है इसके अंदर मल्टीपल एक्शंस हो सकते हैं, एक से ज़्यादा कुछ भी। तो ये बेसिक, जैसे कंट्रोलर के अंदर ये एक एक्शन है, इंडेक्स का एक्शन है, इसी तरह क्रिएट का एक्शन है, इसी
इसके अलावा स्टोर का एक्शन है, फिर शो का एक्शन है, एडिट का एक्शन है, डिस्ट्रॉय का एक्शन, अपडेट का एक्शन है। तो ये सब एक्शन मेथड्स हैं। कंट्रोलर के अंदर जो फंक्शंस होते हैं इनको एक्शन मेथड्स कहते हैं। जब भी एक यूआरएल हिट होता है तो वो कंट्रोलर के अगेंस्ट हिट होता है। जैसे कार, वेबसाइट का नाम स्लैश कार, तो ये वाला कंट्रोलर हिट होगा, फिर आगे स्लैश इंडेक्स करेंगे तो हमारा ये फंक्शन चलेगा। और ये फंक्शन यहाँ पे हम उसे व्यू रिटर्न करेंगे कि इसने दिखाना क्या है। तो कंट्रोलर के अंदर जितने भी फंक्शन होते हैं वो एक्शन फंक्शंस होते हैं, और ये एक्शन फंक्शन के अंदर अपनी सारी लॉजिक परफॉर्म करने के बाद, डाटा मैनिपुलेट करने के बाद यूज़र को रिस्पॉन्स देते हैं। तो जब हमने डबल माइनस साइन हाइफन साइन रिसोर्स लिखा तो उसने वो इसलिए लिखा, अगर मैं ना लिखता तो इसने खाली कंट्रोलर बना देना था, ये सब कुछ नहीं लिखा होना था इसमें जो हाईलाइटेड है, डिफ़ॉल्ट एक्शंस इसमें मौजूद नहीं होने थे। तो मैंने उसको कहा कि इस रिसोर्स लिखने से कि इसके डिफ़ॉल्ट एक्शंस भी क्रिएट कर दो, तो उसने वो सारे के सारे एक्शंस क्रिएट कर दिए। तो ये हमारा कंट्रोलर है, जितने भी हम कंट्रोलर बनाएंगे वो ऐप के अंदर HTTP का फोल्डर है, उसके अंदर कंट्रोलर का फोल्डर है, और सारे इस कंट्रोलर फोल्डर के हमारे कंट्रोलर्स क्रिएट होंगे, और कंट्रोलर के अंदर ही सारी हमारी बिजनेस लॉजिक आएगी, और इसी से हम कॉल करेंगे मॉडल को। यहाँ पे हम मॉडल को कॉल करेंगे, मॉडल से डाटा लेंगे, डाटा मैनिपुलेट करेंगे, कोई लॉजिक लगानी है लॉजिक लगाएंगे, और उसको पास कर देंगे व्यू को, और वो व्यू उस डाटा को दिखाएगा। वापस आते हैं, अब हमने किया क्या है, बेसिकली हम लोगों ने एक कंट्रोलर बनाया है और रिसोर्स का डायरेक्टिव यूज़ किया है, वो इसलिए यूज़ किया था कि हमारे सारे डिफ़ॉल्ट एक्शन भी क्रिएट कर दे। अच्छा, अब राउटिंग क्या होती है। सबसे पहले तो URL कॉल होता है, और URL कॉल होने के बाद जैसे हमने पहले देखा कि पहले राउट कॉल होता है, कंट्रोलर से पहले भी राउट कॉल होता है, तो राउट तो हमें डिफ़ाइन करना पड़ेगा। जब हम अगर हम राउट डिफ़ाइन नहीं करेंगे तो इसको एप्लीकेशन को पता ही नहीं चलेगा कि मैंने कौन सा पेज रेंडर करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी मैं जाता हूँ ब्राउज़र के अंदर, ठीक है, मैंने मेरी एप्लीकेशन है स्लैश मैं फर्स्ट लेवल है पब्लिक, और मेरा जो कंट्रोलर है वो एक कार्स का कंट्रोलर है, क्योंकि मैंने अपने राउट में जो डिफाइन किया है कि कार्स जब कोई लिखेगा यूआरएल में तो कार कंट्रोलर के सारे डिफ़ॉल्ट राउट्स रजिस्टर कर दो। अब वापस आते हैं, हम देखते हैं हमारा रिस्पांस क्या है। तो हमें ब्लैंक पेज नज़र आया, ब्लैंक पेज इसलिए नज़र आया है कि जब सबसे पहले जो रिक्वेस्ट है वो आई राउट में, राउट में उसने कहा यूआरएल के अंदर कार्स टाइप हुआ है, तो कार्स के अंदर जितने भी हमारे एक्शन मेथड हैं कार कंट्रोलर के अंदर उनमें से, अब हमें कैसे पता चलेगा कि कार जब यूज़र ने टाइप किया तो कौन सा हमारा एक्शन मेथड कॉल होगा। इसके अंदर तो मल्टीपल एक्शन मेथड है, इंडेक्स भी है, क्रिएट भी है, और स्टोर भी है, शो भी है, तो डिफरेंट है। तो ये सारे डिफ़ॉल्ट एक्शन मेथड्स हैं, इसको हम चेक करने के लिए कि हमें कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, इसमें हमें कमांड भी टाइप कर सकते हैं, PHP artisan route list, ठीक है, अभी हमें लिस्ट दे देगा। तो बेसिकली होता गया है, जब हमारा होम पेज कॉल होता है तो वेलकम का कॉल हो रहा है, जब यूज़र API कॉल ही तो ये वाला कॉल हो रहा है। अब देखिए ये हमारे राउट्स आ गए, कि जब कोई यूज़र खाली कार्स टाइप करेगा तो कौन सा कॉल होगा, स्टोर का कॉल होगा, वो सूरत में जब उसने कोई डाटा पोस्ट किया है। लेकिन जब हम URL में हिट करेंगे कार्स, सिंपल हम URL ब्राउज़र में जाएंगे और URL में लिखेंगे अपनी एप्लीकेशन स्लैश कार, तो इंडेक्स का हमारा एक्शन का जो है वो कॉल होगा। इसी तरह अगर कोई यूज़र लिखता है एप्लीकेशन डोमेन स्लैश कार स्लैश क्रिएट, तो हमारा क्रिएट वाला जो एक्शन मेथड है कार्स का वो कॉल होगा। तो अगर कोई ID देता है इसी तरह वो डिलीट रिक्वेस्ट पास करता है तो डिस्ट्रॉय का कॉल होगा, और अगर कोई URL में जाके सिंपल कार स्लैश कोई ID पास करता है तो फिर शो का कॉल होगा। तो ये सारे के सारे जो राउट्स हैं, राउट लिस्ट, ये हमें यहाँ अवेलेबल है। हमने अलग अलग से भी हम डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि मैं अपना खुद से राउट लिख लूँ, राउट गेट मेथड, अगर कोई यूजर आके URL में टाइप करता है कार्स लिस्ट, तो क्या करो,
आप कार के कंट्रोलर में जाओ और वहां पर लिस्ट का जो एक्शन मेथड है उसको कॉल कर लो। तो हम लिस्ट के एक्शन मेथड में जाएंगे, कार कंट्रोलर में जाएंगे, कार कंट्रोलर में जाने के बाद लिस्ट के एक्शन मेथड में जाएंगे। लिस्ट के एक्शन मेथड मौजूद नहीं है तो लिस्ट का एक्शन मेथड लिख लेते हैं, शो को कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ लिस्ट, ठीक है, इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा और मैं यहाँ पे इको करा लेता हूँ कि आप क्या करो, इको लिस्ट ऑफ कार्स। मैं वापस आता हूँ। अब मैंने क्या किया कि जब कोई यूजर आएगा और यूआरएल में टाइप करेगा कार्स लिस्ट, तो कार कंट्रोलर कॉल होगा और कार कंट्रोलर जब कॉल होगा तो उसके अंदर लिस्ट का एक्शन मेथड कॉल होगा। लिस्ट का एक्शन मेथड क्या करेगा, हमें इको करा देगा लिस्ट ऑफ कार्स। हम ब्राउजर में आते हैं, हम लिखते हैं कार्स स्लैश लिस्ट, तो एरर आ रहा है, वो कह रहे जी अनएक्सपेक्टेड सिंटैक्स एरर है, अच्छा राउट के अंदर कोई गलती हो गई है। वापस आते हैं हम राउट में, तो टर्मिनेशन नहीं की, टर्मिनेशन स्टेटमेंट लगाते हैं। अब दोबारा चलाते हैं उसको, एंटर किया हमने तो ये आ गया लिस्ट ऑफ कार्स। तो इस तरह से हम कस्टम राउट्स भी लिख सकते हैं कि यूज़र यहाँ पे कुछ भी टाइप करे, हम यहाँ पे उसके अगेंस्ट फिर एक राउट डिफाइन कर लेते हैं, वो राउट को बताते हैं कि आपने कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है और उस कंट्रोलर के अंदर हम एक्शन मेथड लिखते हैं और एक्शन में अपनी लॉजिक लिख के रिटर्न कर देते हैं। तो ये तो हो गए हमारे कंट्रोलर। अब इसी तरह से लिस्ट का कंट्रोलर है, शो का कंट्रोलर है, ये डिफरेंट कंट्रोलर है। ये मेरा डिफॉल्ट कंट्रोलर, इसको मैं कमेंट कर रहा हूँ। बाकी ये जो रिसोर्स राउट है इसमें सारे के सारे मेरे राउट लिस्ट जो है वो मौजूद है, उसके एक्शन मेथड लिखे हुए हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं, हमने कंट्रोलर डिफाइन कर लिया, हमने मॉडल भी डिफाइन कर लिया, अब हमने करना क्या है कि हमने एक व्यू बनाना है। व्यू कैसे डिफाइन करेंगे, व्यू बनाने का भी सेम तरीका है, ये मैंने आपको बता दिया कि एक सिंगल राउट डेफिनेशन के साथ हम सारे के सारे रिलेटेड जो राउट्स हैं उसके डिक्लेयर कर सकते हैं और उसका पाथ क्या होगा, कौन सा एक्शन मेथड कॉल होगा, ये उसका टेबल है। अगर स्लैश कार्स करेंगे तो इंडेक्स कॉल होगा, स्लैश कार्स स्लैश क्रिएट यूआरएल टाइप करेंगे यूआरएल में तो क्रिएट का एक्शन मेथड कॉल हो जाएगा, और अगर स्लैश कार पोस्ट मेथड के साथ करेंगे तो स्टोर का कॉल हो जाएगा, और अगर हम पैरामीटर के साथ पास करेंगे कार्स का शो का मेथड कॉल हो जाएगा कि कौन सी कार शो करानी है, वन नंबर टू नंबर। अभी हम ये करके देखते हैं, हम एक कार जो है वो इंटर करेंगे डेटाबेस में और उसको फेच करेंगे, उसका इंफॉर्मेशन शो कराएंगे। फिर जो यूज़र को इंफॉर्मेशन शो होती है वो व्यूज़ में होती है, कंट्रोलर जो है वो डेटा रिटर्न करते हैं। जैसे अभी हमने क्या किया कि कंट्रोलर के एक्शन में हमने एक डेटा रिटर्न किया, स्ट्रिंग रिटर्न की इंडेक्स, और वो यूज़र को व्यू हुई। तो कंट्रोलर से हमने डेटा रिटर्न करना है व्यू को, और व्यू जो है वो हमारे रिसोर्सेज के फोल्डर के अंदर व्यूज़ यहाँ पे हम सारे डिक्लेयर करते हैं। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक फोल्डर बना लेता हूँ और उसको नाम देता हूँ कार्स, ठीक है, हमारा कार्स का फोल्डर है। इसके अंदर मैं अपने सारे जो हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा, जो हमारा मॉडल बनेगा, उसके अगेंस्ट हमारा कंट्रोलर बनेगा और उसी के अगेंस्ट हमारा व्यू बनेंगे। तो कार को एक तो होगा कार का इंडेक्स, इसकी लिस्ट शो कराने का व्यू बनाएंगे, एक क्रिएट का व्यू बनाएंगे इसका, और एक स्टोर का व्यू बनाएंगे। इस तरह से डिफरेंट हम व्यूज बनाएंगे, वो सारे के सारे जो व्यू हैं वो कार के फोल्डर में आएंगे। अच्छा, तो सारे के सारे जो हमारे व्यू हैं लारावेल में वो रिसोर्सेज के अंदर जो व्यूज का फोल्डर है उसके अंदर सेव होते हैं। वी विल गोना क्रिएट अ शो व्यू, तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन होती है वो डॉट पी एच पी नहीं होती फाइल की, ये होती है शो डॉट ब्लेड डॉट पी एच पी। तो जो ब्लेड है बेसिकली टेम्पलेटिंग इंजन है लारावेल के अंदर, जो हमें हेल्प करता है कि हम लोग जब अपना, जैसे हम लोग कोर पी एच पी के अंदर अपना जो पी एच पी लॉजिक होती थी वो भी पेज के अंदर ही लिख देते थे, तो ये भी उसी तरह से हमें हेल्प करता है। इसका अपना सिंटैक्स है कि आपने अपना जो डाटा आ रहा है आपको कंट्रोलर से उसको किस तरह बाइंड करना है अपने एच टी एम एल के पेज में, तो ये ब्लेडिंग टेम्पलेटिंग इंजन है, इसको भी हम यूज़ करेंगे। व्यू कैसे बनाना है, हमने हम लोगों ने व्यू मैनुअल क्रिएट करना है। हम जाते हैं अपने विजुअल कोड में,
या तो आप इसको कॉपी कर लें, आसान तरीका एक जो व्यू बना हुआ है उसको कॉपी कर लें और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें इसके अंदर। इसको हम रीनेम कर लेते हैं, इसको हम नाम दे देते हैं शो का। ठीक है, दो व्यू बना लेते हैं, एक इंडेक्स का व्यू है और एक हम बना लेते हैं इसी को कॉपी करके शो का व्यू। इसको मैं रीनेम करूंगा और इसका नाम रख दूंगा शो। पीएचपी वन खत्म कर देंगे। सबसे पहले मैं इंडेक्स का देखता हूँ, इंडेक्स का ये सब मैं रिमूव कर रहा हूँ, सबका सब जो है फजूल है, ये नहीं चाहिए। सिंपल सा पेज बनाना है मैंने। यहाँ पे आप अपना नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टाइलिंग वगैरह भी करेंगे कि पेज को किस तरह से आपने अपनी स्क्रिप्ट्स कहाँ ऐड करनी है, आपने अपनी स्टाइल्स कहाँ ऐड करनी है, वो सारा का सारा भी हम देखेंगे। अच्छा, अभी हम जस्ट सीखते हैं कि हमने मॉडल कैसे बनाना है, व्यू कैसे बनाना है, कंट्रोलर कैसे बनाना है, राउट कैसे बनाना है। और आपकी सारी की सारी जो डेवलपमेंट है लारावेल में वो इन्हीं तीन चार मेन कंपोनेंट्स के गिर्द घूमेगी ज़्यादा। कि आपको डिफाइन करने होंगे मॉडल्स, मॉडल जो है वो आपकी डेटाबेस से भी इंटरेक्ट करेंगे, फिर आपको उसके अगेन कंट्रोलर डिफाइन करने होंगे, कंट्रोलर में आप अपनी सारी लॉजिक लिखेंगे और उसके बाद उस लॉजिक को मैनिपुलेट करने के बाद जो डाटा रिजल्ट दिखाना है यूजर को वो व्यूज में जाएगा और यूजर जो रिस्पॉन्ड करेगा वो आपने कंट्रोलर के अंदर एक्सेप्ट करना है, डेटाबेस सेव करना है, मैनिपुलेट करना है, वो कंट्रोलर में है। तो ये चार मेन कॉम्पोनेंट्स हैं जिनके सारी की सारी आपकी प्रोग्रामिंग लारावेल के अंदर घूमेगी। और MVC का कोई भी पैटर्न हो, मतलब MVC डिजाइन पैटर्न किसी भी फ्रेमवर्क को आप यूज कर रहे हैं तो सब में यही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अगर आप लारावेल में अगर ये चीज़ें सीख लेते हैं तो आप जेंड में भी काम कर सकते हैं, आप ये में भी काम कर सकते हैं, कोऑर्डिनेटर में भी, इवन ASP.NET MVC में भी आप काम कर सकते हैं। तो मेन जो है आर्किटेक्चर यही होता है एप्लीकेशन का और ये मेन कॉन्सेप्ट है MVC डिज़ाइन पैटर्न का, जिसको इम्प्लीमेंट करते हुए सारे फ्रेमवर्क लिखे गए हैं। तो अब मैंने क्या किया कि इंडेक्स का एक व्यू बनाया, मैंने इंडेक्स का एक व्यू बना लिया, इसके अंदर मैं कुछ भी टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं इसको हेडिंग बना लेता हूँ, हेडिंग बनाता हूँ, सॉरी माय फर्स्ट ठीक है, तो मैंने ये बना लिया। अब मैं क्या करूँगा कि अभी मैं वापस जाता हूँ अपने इंडेक्स के व्यू के अंदर, इंडेक्स के कंट्रोलर के अंदर। व्यू कभी भी डायरेक्टली कॉल नहीं होता, अगर आप ब्राउजर में लिखेंगे index.blade.php तो ये उसको कुछ भी नहीं करेगा। जब मेरा जो ये पाथ पड़ा हुआ है views/car/index.blade.php तो ये एरर देगा। तो MVC के अंदर ये सिक्योरिटी कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं इसको, कि आपका जो फिजिकल पाथ होता है आप उसको एक्सेस करते हैं लेकिन फिजिकली वो फाइल एक्सेस नहीं होती। जैसे अगर हम नॉर्मल में देखें, हम एक्सपेक्ट ये करेंगे कि जब हम कार्स कॉल करते हैं तो पब्लिक के अंदर एक कार्स के नाम की फाइल पड़ी होगी, लेकिन ऐसी तो कोई फाइल नहीं पड़ी हुई। तो ये सिक्योरिटी मेजर भी है कि कोई भी जज नहीं कर सकता कि आपका फिजिकल स्ट्रक्चर क्या पड़ा हुआ है आपके एप्लीकेशन का, किस तरह से पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये राउटिंग जो है सिक्योरिटी को भी इन्हेंस करती है और MVC डिज़ाइन पैटर्न है ये भी सिक्योरिटी को इन्हेंस करता है और हमारे लिए भी इजी हो जाता है अपनी एप्लीकेशन को जो है मैनेज करना, उसके आर्किटेक्चर को मैनेज करना इस रिक्वेस्ट लाइफ साइकिल में। अब हम आते हैं अपने इंडेक्स की व्यू में। हम कर ये रहे थे कि हमने एक इंडेक्स का व्यू बनाया, कार के अंदर एक इंडेक्स का व्यू बना लिया, एक शो का व्यू बना लिया। इंडेक्स में हम क्या करेंगे, सिंपल हम लोग इसको दिखाएंगे कि सिंपल एक टेक्स्ट दिखाएंगे, उसके बाद हम इसके अंदर लिंक लगाते हैं और फिर इसको शो का दिखाते हैं कि ये गाड़ी की डिटेल शो कराओ। फॉर एग्जांपल बल्कि मैं ये कर लेता हूँ, मेरे पास है फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरे पास, मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, सुजुकी कार मेहरान मॉडल 2015 है और इसको मैं कहता हूँ HREF। अगर आपने इसकी डिटेल देखनी है व्यू डिटेल्स, ओके, और इसको मैं बंद कर देता हूँ।
इसकी व्यू डिटेल में मैं एक लिंक लगाऊंगा कि कार की डिटेल कैसे नजर आएगी, कार्स के अंदर शो डिटेल और कार की आईडी दे देते हैं 1। अभी हमने ये बनानी है कि हमने कार एंटर करेंगे डेटाबेस में और फिर उसकी डिटेल यहाँ पे जब वो यूजर क्लिक करेगा तो उसकी डिटेल जो है वो पॉपुलेट हो जाएगी। वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। पहले तो हम लोग इंडेक्स का व्यू कॉल करते हैं। इंडेक्स का व्यू कैसे कॉल होगा? डायरेक्टली तो कॉल नहीं होगा, जितने भी व्यू हैं ये हमेशा आपके कंट्रोलर के थ्रू ही कॉल होंगे। तो हमने कार कंट्रोलर में आते हैं, तो जो इंडेक्स का जब कोई यूजर कॉल करेगा कार्स, तो इंडेक्स का जो कंट्रोलर है वो कॉल होगा। अब इंडेक्स का कंट्रोलर से हम कहते हैं कि जब कोई इंडेक्स कॉल करे तो जो व्यू रिटर्न हो वो व्यू इंडेक्स का ही रिटर्न हो। तो मैं इसको यहाँ इंडेक्स लिख देता हूँ, क्योंकि ये हमारा जो इंडेक्स है ये कार के अंदर पड़ा हुआ है कार्स के फोल्डर में, तो कार्स डॉट इंडेक्स कर देंगे। ठीक है, कार्स डॉट इंडेक्स। अब होगा ये कि जब एक यूजर आएगा और ब्राउजर में टाइप करेगा, ब्राउजर में क्या टाइप करेगा, ब्राउजर में टाइप करेगा कार्स, जैसे ये हमारा राउटिंग टेबल है। जब एक यूजर आता है और वो ब्राउजर में गेट रिक्वेस्ट से स्लैश कार्स इंटर करता है, तो हमारा एक्शन मेथड कौन सा कॉल होगा? इंडेक्स का कॉल होगा। अभी हमने ये डिफाइन किया है कि जब इंडेक्स का मेथड डिफाइन हो तो हमारा कौन सा व्यू कॉल हो, हमारा इंडेक्स का व्यू कॉल हो जो कि कार्स के अंदर पड़ा हुआ है। अब हम आते हैं इसके अंदर, अपने ब्राउजर में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं लारावेल स्लैश कार स्लैश स्लैश कार्स आएगा, टाइप करते हैं, देखते हैं हम क्या होता है। तो ये देखिए हमारा व्यू ये कॉल हो गया। तो ये इसका लाइफ साइकिल है कि हम लोग ब्राउजर में आए और हमने एक रिक्वेस्ट यूआरएल दिया लारावेल स्लैश माई एप्लीकेशन आगे कार्स। जब मैंने कार्स लिखा तो ये रिक्वेस्ट गई राउटिंग टेबल के पास। ये हमारा राउटिंग टेबल है, वेब डॉट पी एच पी में पड़ा होता है, राउट्स में, वेब डॉट पी एच पी में। सबसे पहले तो हमने उसका राउट डिफाइन किया, तो जितने हमारे एक्शन मेथड होंगे उतने हमारे राउट्स होंगे, लेकिन इन सबको एक रिसोर्स के फाइल हम इनकैप्सुलेट कर सकते हैं। ये सारे के सारे डिफॉल्ट राउट हम एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो डिफॉल्ट राउट हैं स्टोर का, शो का, गेट का, डिलीट का, वो सारे इसके अंदर मौजूद हैं। ये हमने एक राउट डिफाइन किया। अब ये क्या करेगा कि जब यूज़र कार लिखेगा तो ये कार कंट्रोलर के सारे डिफ़ॉल्ट राउट्स हैंडल कर लेगा। जब यूज़र ने रिक्वेस्ट लगाई कार्स की तो ये राउट कॉल हुआ, इसने देखा कि मैंने अब कौन सा कंट्रोलर कॉल करना है। राउट ने कहा जी आपने कॉल करना है कार का कंट्रोलर। अब कार के कंट्रोलर के अंदर यूआरएल से पता लग रहा है कि स्लैश कार आया है, तो इंडेक्स का एक्शन मेथड कॉल होगा। अब इंडेक्स के एक्शन मेथड में हम यहाँ कोई भी लॉजिक भी लिख सकते थे, अभी हम आगे लॉजिक भी लिखते हैं। तो इंडेक्स के एक्शन मेथड ने देखा कि मैंने अब क्या करना है, इंडेक्स के एक्शन मेथड ने हमें एक व्यू रिटर्न किया कार के अंदर, जो इंडेक्स का व्यू है वो रिटर्न कर दो। तो यूज़र को जो रिटर्न हुआ वो व्यू रिटर्न हुआ, हमारे जो व्यू है उसको ये कंट्रोलर के अंदर क्या हुआ, राउटिंग के अंदर क्या हुआ, उसको ये चीज़ें रिटर्न हुई। यूज़र को जाएगा वो जो इंडेक्स व्यू लिखा होगा वही जाएगा। तो ये हमारा लाइफ साइकिल पूरा हो गया, राउटिंग से कंट्रोलर, कंट्रोलर के अंदर एक्शन मेथड, एक्शन जो है वो हमें बता रहा है कि अब कौन सा व्यू कॉल करना है। जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि हमने कोई भी अभी तक अपनी एप्लीकेशन में डिफाइन नहीं किया, कार का रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया। कार का रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए हम मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से जाते हैं लोकल होस्ट माई पीएचपी एडमिन, पीएचपी माई एडमिन में जाके हम मैन्युअली भी रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हैं, हम सीड भी कर सकते हैं। मैं सीडिंग के थ्रू कर लेता हूँ, कि हमने उसके अंदर नहीं जाना। एक ये भी चीज़ आ जाएगी कि कैसे हम लोग सीडिंग करते हैं। आपने कोई रिकॉर्ड सीड करना है, फॉर एग्जांपल कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, तो किसी भी टेबल के अंदर तो डेटाबेस सीडर में जाएंगे और यहाँ पे अपना सीडर लिखेंगे। हम यहाँ पे अपना सीडर लिख लेते हैं, इसको हम करते हैं डीपी टेबल। कौन सा टेबल है हमारा? कार्स का टेबल है। और कार के टेबल के अंदर आप क्या करो, डॉट इंसर्ट कर दो
कार के टेबल में हम वैल्यूज इंसर्ट कर लेते हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सबसे पहले हमारा आएगा, अपने कॉलम एक एक करके इंसर्ट कर लेंगे। इस तरह से हम सीडिंग क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले मॉडल है, मॉडल इंसर्ट करोगे, मॉडल की वैल्यू क्या है, मॉडल है हमारा 2015 मेक मॉडल। सीक्वेंस आप कोई भी रख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वही सीक्वेंस रखता हूँ। मेक आएगी सबसे पहले, मेक हमारी है सुजुकी, सुजुकी मेक है हमारी, और हमारा मॉडल 2015 है मेक मॉडल। एंड देन वी हैव प्रोड्यूस्ड ऑन, वी आर प्रोड्यूस्ड अंडरस्कोर ऑन नाम रखा था हमने, जो हमने अपने डेटाबेस में, जो हमने अपने माइग्रेशन में नाम रखे थे कॉलम्स के, हमने वही रखने हैं। बेसिकली हम सीडिंग बना रहे हैं, हम एक रो इंसर्ट करने लगे जब हमारी एप्लीकेशन रन हो, या हम सीडर को कॉल भी कर सकते हैं एक्सटर्नली, तो जब ये सीडर रन हो तो ये रिकॉर्ड डेटाबेस में इंसर्ट हो जाए। मेक उसका क्या हो, सुजुकी हो, मॉडल उसका 2015 हो, प्रोड्यूस्ड ऑन कब प्रोड्यूस्ड हुई वो, कोई भी इसमें आप डेट दे दें, 2017/12/01, तो ये इस डेट को प्रोड्यूस हुई। ये हमारे कॉलम है जो हमने डिफाइन किए थे। अब हम आते हैं अपने, ये हमने एक सीडर बना लिया कि डेटाबेस के अंदर कार्स के टेबल में एक रो इंसर्ट होगी, इसके अंदर मेक सुजुकी होगा, मॉडल 2015 होगा, प्रोड्यूस्ड ऑन होगा। तो हम आईसी को लॉग इन कर लेते हैं। डेटाबेस के अंदर फिलहाल कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरा माई लारावेल ऐप कॉल हो रहा है, डेटाबेस यूज हो रही है, और इसके अंदर कार्स का टेबल है, कार के टेबल में कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हम मैन्युअली भी इसको कर सकते हैं, इंटर कर सकते हैं, इंसर्ट क्लिक करके हम मैन्युअली भी इंसर्ट कर सकते हैं। हम सीडिंग के थ्रू देखते हैं कि सीडिंग के थ्रू कैसे कॉल होता है। हमने पीएचपी में जाना, यहाँ पे अपने पार्टीशन को यूज करेंगे, सीएलआई को, डीबी सीट कॉल किया। अब देखते हैं क्या करता है डीबी सीट, क्या करता है डीबी सीट, जो हमारा सीडर है उसको कॉल करता है, और उसके अंदर हमने जितनी भी सीट लिखी होती हैं वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। अच्छा जी, ये कह रहा है कि प्रोड्यूस्ड ऑन इन लिस्ट अननोन कॉलम, प्रोड्यूस्ड ऑन, हमारा कॉलम का नाम जो है वो ठीक नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो हम ये वाला पहला नाम यूज़ कर लेते हैं। वापस आते हैं, हमने जो अपना सीडर लिखा है उसको पेस्ट करते हैं, दोबारा सीडर को कॉल करते हैं, तो सीडर सक्सेसफुली रन हो गया। अब हम इधर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आया, तो हमें एक रिकॉर्ड जो है वो इंटर हो गया। बेसिकली हुआ क्या, हमने अपने कोड में गए, जब भी हमें कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना होगा डेटाबेस के अंदर खुद से, मतलब एक तो एप्लीकेशन के थ्रू होगा, यहाँ हम चाहते हैं जब हमारी एप्लीकेशन रन हो कुछ डिफ़ॉल्ट कैटेगरीज ऐड हो जाएं, कुछ मेक मॉडल ऐड हो जाएं, जैसे मेक है सुजुकी टोयोटा होंडा, ये डिफ़ॉल्ट मेक है ये हमारी एप्लीकेशन में, तो हम सीडर में जाते हैं, डेटाबेस सीडर में जाते हैं, और यहाँ पे अपने वो डिफ़ॉल्ट कोई हमारे ड्रॉप डाउनस हैं जिनकी वैल्यूज़ कैटेगरीज हैं कुछ, जो हमने सेव करानी है जो कि चेंज नहीं होनी क्योंकि आनी है हमारी जब एप्लीकेशन रन होगी, तो वो हम यहाँ सारे अपने सीडर लिख लेते हैं। तो डेटाबेस सीडर में आके आप अपना सीडर लिखेंगे, कॉलम का नाम ये उसका सिंटैक्स है, और सीएलआई के अंदर आके सीडर को कॉल करेंगे, वो आपकी सारी की सारी रिकॉर्ड इंसर्ट कर देगा। और ये बार बार आपको नहीं करना पड़ेगा, आप यहाँ अपनी सारी सीडर लिख लें, जो कुछ भी आपकी डिफॉल्ट, जैसे हमारे पास एक है कि जेंडर का है, जैसे हम जेंडर की कैटेगरी है हमारे पास, ठीक है। अब जेंडर तो तीन ही है, मतलब एक मेल होगा एक फीमेल होगा, या उसको हम कह देंगे कि अननोन या प्रेफर नॉट टू स्पेसिफाई, तो ये चार पांच फील्ड होनी है। हम यहाँ पे आके इसी तरह आपकी जेंडर कैटेगरी बनाएंगे, तभी हमारा ड्रॉप डाउन है जिसकी वैल्यू पॉपुलेट होनी होनी है, तो ये बना के हम यहाँ उसकी सीडर बना लेंगे। हमें बार बार डेटाबेस में इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा, हम अपनी एप्लीकेशन को एक जगह से दूसरी जगह भी ट्रांसफर करते हैं तो सीडर में वो मौजूद रहेगी, वहाँ जाके जस्ट एग्जीक्यूट करेंगे सीडर को, हमारी सारी डिफॉल्ट कैटेगरीज बन जाएंगी। तो इस तरह से ये सीडर का फायदा है, आपको डेटाबेस जो है वो के अंदर जाके चेंज नहीं करना पड़ता, आप कोड फर्स्ट को यूज़ करते हुए अपनी डेटाबेस के अंदर चेंजेस भी कर लेते हैं, सेटिंग भी कर लेते हैं।
वापस आते हैं, हम कर ही रहे थे कि हमने एक व्यू बनाया था जिसके अंदर हमारी कार्स की लिस्टिंग शो हो रही है। अभी हमने एक ही कार डाली, यहाँ दो तीन चार पांच कार भी हम डाल सकते थे। तो सुजुकी कार में जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो अभी हमें राउट का एरर आ रहा है, हम चेक करते हैं। हम इधर आते हैं अपने शो के एक्शन मेथड में। हम क्या करेंगे यहाँ पे, लोग यहाँ पे करते हैं कि कार का जो हमने मॉडल बनाया है, कार का डाटा रिट्रीव करो, फाइंड करो जो आईडी पैरामीटर में पास हो रही है उसके अगेंस्ट कार का मॉडल फेच करो और उसको एक ऑब्जेक्ट में रखवा देंगे, कार के वेरिएबल में रखवा देते हैं। ये क्या कर रहा है, बेसिकली कार का जो मॉडल है वो डेटाबेस को इंटरेक्ट कर रहा है और उसको पास कर रहा है कि डेटाबेस के अंदर इस आईडी के साथ जो गाड़ी पड़ी है वो फेच करके रिटर्न कर दो, और वो रिटर्न करके कार के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। अब ये वेरिएबल हम पास करेंगे व्यू को, रिटर्न करो व्यू, और उसके अंदर कौन सा व्यू रिटर्न करो, कार्स के फोल्डर के अंदर जो शो का व्यू है उसमें रिटर्न करो। और इसको हम डेटा भी पास कर देंगे। डेटा किस तरह पास करेंगे कि हम अरे बनाएंगे, अरे ऑफ कार, और इसको हम कर देंगे जो हमारे पास रिकॉर्ड आया है वो इसको रिटर्न कर देंगे। इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब ये क्या करेगा कि जब यूज़र जो है वो को गाड़ी कार्स इंटर करेगा यूआरएल में और साथ पैरामीटर पास करेगा, तो उस पैरामीटर के अगेंस्ट डीबी के अंदर सर्च करेगा मॉडल गाड़ी का रिकॉर्ड, और वो कार्स के वेरिएबल में हम व्यू को पास कर देंगे। जो हमारा यूज़र को जो नज़र आएगा वो व्यू नज़र आता है। हमने अपने कंट्रोलर में अपना डाटा मैन्यूपुलेट किया और व्यू को पास कर दिया। अब व्यू में हमने उस डाटा को प्रेजेंट करना है, तो हम एक व्यू बना लेते हैं जिसका नाम है कार्स के अंदर शो का व्यू। तो हम अपने रिसोर्सेज में आते हैं, रिसोर्सेज के अंदर हमारे व्यूज पड़े होते हैं। व्यू में ये भी हमने कॉपी किया था, इसको हम कॉल करके देखते हैं चलता क्यों नहीं है। इसको हम चला लें पहले। अभी क्या हो रहा है कि हम कार्स के अंदर शो कॉल करते हैं, शो कॉल हो रहा है या शो के अंदर हमें ये हमारा व्यू कॉल हो रहा है, ये जो हमने यहाँ पे व्यू बनाया। अब हमने इसको चेंज करना है, इसके अंदर से हम ये रिमूव करते हैं कार डिटेल वाला पार्ट, और हम यहाँ पे हमें जो मॉडल रिटर्न कर रहा है हमें रिकॉर्ड आ रहा है कार के वेरिएबल में, सॉरी ये कंट्रोलर के अंदर हमें जो रिकॉर्ड वापस आ रहा है वो कार के वेरिएबल के अंदर आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जाते हैं अपने व्यू के अंदर, हमारा शो का जो व्यू है उसमें अब हम रिकॉर्ड फेच करते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम लोग इको करते थे, पीएचपी इको सब कोर की पीएचपी में हम लिखते थे पीएचपी क्वेश्चन मार्क पीएचपी, और यहाँ पे आप करते थे इको डॉलर समथिंग वट एवर। यहाँ पे क्या सिंटेक्स है इसका, इसका सिंटेक्स जो है हम यूज़ करेंगे लेड इंजन यूज़ करेंगे, उसके लिए हम डबल कर्ली ब्रैकेट्स लगाते हैं। हम इसके अंदर सबसे पहले आईडी प्रिंट कराएंगे। इसी तरह से हम लोग करते हैं कि पैराग्राफ ले लेते हैं ताकि नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होता जाए। ID, then make, print करना है। Okay. ID, then I can make, make है, then we have the model, make and the model, then we have produced on. और प्रोड्यूस्ड ऑन का जो कॉलम नेम था वो हम देख लेते हैं यहाँ से, इसी नाम को हम यहाँ पे
ले जाते हैं शो में, प्रोड्यूस्ड ऑन। तो अब हम इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। सबसे पहले मैं जाऊंगा यहाँ पे एक कंट्रोलर में, कंट्रोलर में हमारे पास पैरामीटर में आईडी आ रही है, वो फेच होके हमारे रिटर्न जो है वो रिजल्ट पास करेगी व्यू को और व्यू उसको पॉपुलेट कर देगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखें क्या हुआ, यूजर आया फॉर एग्जांपल, पहले उसने शो का या डिटेल का इंडेक्स का उसने व्यू कॉल किया, ठीक है। अब मुझे ये गाड़ी नज़र आ रही है सुजुकी मेहरान मॉडल 2015, मैंने इसकी व्यू डिटेल करनी है। जब मैंने इसकी व्यू डिटेल पे कॉल क्लिक किया तो मेरा जो यूआरएल है वो कौन सा कॉल हुआ, कार्स शो, सॉरी शो नहीं आना इसमें, इसमें शो नहीं आएगा, इसमें जस्ट पैरामीटर आएगा। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो कि ये कैसे काम करता है, इसमें कौन सा यूआरएल आना है, तो आप ये राउट जो टेबल है हमारा, राउट लिस्ट है, इसको कंसल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, जब हमने शो का जो एक्शन है वो व्यू कराना है तो हमारा यूआरएल क्या होना चाहिए, कार और कार के आगे पैरामीटर, कार आईडी 1 2 3 4 5, जो भी आपकी कार आईडी है या की है वो आगे की आपकी होनी चाहिए, ठीक है। तो शो का मेथड कॉल करवाने के लिए शो नहीं आएगा, मैंने यूआरएल गलत टाइप कर दिया है। तो हम वापस जाते हैं अपने इंडेक्स में, यहाँ पे जो शो आ रहा है इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है। शो को जब हम रिमूव करेंगे, अब हम दोबारा इसको रिफ्रेश करते हैं, कार डिटेल की डिटेल आ गई हमें, जब हमने इस पर क्लिक किया तो ये हमें कार की डिटेल आ गई। इसको हम अपनी तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। तो अभी हमने जो शो में ये जो सेंटेक्स लिखा है ये बेसिकली ब्लेड का सेंटेक्स है। तो आज हमने क्या सीखा है, आज हमने देखा है कि कंट्रोलर कैसे बनाना है, सबसे पहले मॉडल कैसे बनाना है, मॉडल को माइग्रेशन कैसे क्रिएट करनी है। जब हम मॉडल क्रिएट कर लेते हैं तो उसकी हमने माइग्रेशन बनानी होती है, माइग्रेशन कैसे बनाते हैं वो हमने सीखा। हमारे जो मॉडल हैं वो सारे के सारे मॉडल जो हैं हमारी ऐप की डायरेक्टरी में पड़े होते हैं, हमने पहले मॉडल बनाया, फिर हमने उसकी डेटाबेस की माइग्रेशन क्रिएट की, डेटाबेस माइग्रेशन चलाई कैसे, माइग्रेट किया, कस्टम कॉलम ऐड किए, कस्टम कॉलम ऐड करने के बाद हमने कंट्रोलर डिफाइन किया अपना, हमने कंट्रोलर जो है हमारे ऐप के अंदर HTTP में कंट्रोलर के फोल्डर में पड़े होते हैं। तो ये हमने कार का कंट्रोलर बनाया, फिर हमने उसके अंदर एक्शंस बनाए, एक्शन मेथड कॉल किए, राउट डिफाइन किए, फिर हमने एक शो का एक्शन बनाया जिसके अंदर हमने डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करते हुए अपना गाड़ी की डिटेल फेच करके अपना डाटा मैनिपुलेट करके व्यू को पास किया और वो डाटा जो है पॉपुलेट करवाया व्यू में। तो ये आज हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने मॉडल, व्यू, कंट्रोलर और राउटिंग के बारे में सीखा। और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम आगे फिर डिटेल से फर्दर स्टडी करेंगे कि टेम्पलेटिंग ब्लेड इंजन क्या होता है।